तो आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे किसी भी फाइल को या फिर किसी भी वीडियोस को रार फाइल में या फिर जीप फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं। अगर आप भी चाहते हो किसी भी फाइल या फिर फोल्डर या फिर किसी भी वीडियोस पर रार फाइल में कन्वर्ट करने के बाद उस रार फाइल या फिर जीप फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वीडियो को रार फाइल में कन्वर्ट करूंगा और उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके दिखाऊंगा। और इसके लिए आपके कंप्यूटर पर एक रार सॉफ्टवेयर या फिर जीप सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पास एक रार सॉफ्टवेयर है और एक जीप सॉफ्टवेयर भी है। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा डेस्कटॉप पर एक वीडियो फाइल है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए आपको ऐड टू एचएफ देखेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए ऐड टू एचएफ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप एचएफ नेम दे सकते हैं, आप उस फाइल को या फिर उस वीडियो को आप क्या नाम देना चाहते हो वो आसानी से यहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर रोस्टेक दे दिया। फाइल के नाम देने के बाद यहाँ पर आपको एचएफ फॉर्मेट दिखेगा, तो मैं यहाँ पर रार नहीं जीप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जीप पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद इधर आपको दिख जाएगा सेट पासवर्ड। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एंटर पासवर्ड बोला जाएगा। आप जिस फाइल पर आप पासवर्ड लगाना चाहते हो वहाँ पर आप आपके हिसाब करके आप पासवर्ड दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया और इसको रीएंटर भी कर दिया। पासवर्ड रीएंटर करने के बाद आपको सिर्फ ओके कर देना है। ओके करने के बाद और एक बार ओके कर देना है। तो देखिए ये फाइल अभी ये वीडियो अभी जीप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इधर एक कन्वर्ट होकर आ चुका है। तो चलिए अब इसको हम लोग एक बार ओपन कर लेंगे। तो इस फाइल को ओपन करने के लिए हम इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन विथ विन रार एचीवर पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो वीडियो था वो यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोगों को वो वीडियो देख रहा है। तो चलिए इसको डबल क्लिक करके अब ऑन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपको पासवर्ड याद है, अगर आप पासवर्ड जानते हो तभी इस फाइल को आप खोल सकते हो। पासवर्ड के बिना इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस फाइल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना भी चाहोगे तो वो एक्सट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पर और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर यस टू ऑल कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। अगर हम कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एरर आ जाएगा। तो अब इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे और देखेंगे एक्सट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर फिर भी पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपको पासवर्ड पता होंगे तो आप इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, अगर नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब पासवर्ड देते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। तो देखिए ये फाइल एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हो चुका है। ऐसे करके आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर पर पासवर्ड लगा सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।